राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। यही नाम ऊँचे से ऊँचा, यही नाम ऊँचे से ऊँचा, बिन इसके कोई नहीं पहुँचा, बिन इसके। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, नौजवान साथी बच्चे, जितने भी उपस्थित सत्संगी प्रेमी, आप सब से बेनती है, सत्संग का अवसर मिला है और जितनी देर सत्संग हो आप सत्संग का लाभ उठाएं। शांति से बैठ के अच्छी तरह श्रवण करोगे, ध्यान से मन में रखोगे तो सत्संग का आपको लाभ होगा। अगर आप लापरवाही करोगे, ध्यान नहीं दोगे या वचन को आराम से नहीं सुन पाओगे तो आपका आना ना आना सब व्यर्थ हो जाएगा। आज का बड़ा शुभ दिन है और काफ़ी सालों से
इस दादरी आश्रम की पावन भूमि पर हजूर महाराज जी ने इस त्यौहार राखी के अवसर पर यहाँ का सत्संग पहले से ही रखा था और उसी टाइम से जब संगत बहुत थोड़ी होती थी, आश्रम की जगह भी ये थोड़ी थी, इसको चलाते गए और चलाते आ रहे हैं। लेकिन स्थान अभाव के कारण आपको अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो कृपया आप सत्संगी का एक अच्छा परिचय देते हुए तकलीफ को तकलीफ ना मान के उसमें भी सुख की खोज करना, आराम की खोज करना। अब जगह है, ये रबड़ की जगह तो है नहीं कि बढ़ जाएगी, देखते हैं अगर और कहीं जगह बनती है तो इतनी जगह में काम चलता नहीं है, वो आगे की बात है। और सत्संगियों के लिए कभी परेशानी होती भी नहीं है। क्यों नहीं होती है कि सत्संगी को वचन सुनने से और सत्संग का लाभ उठाने से अर्थ है, वो उसका लाभ कहीं भी बैठ के प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी जिनको ये चाव होता है कि हम नज़दीक बैठें, पास में बैठने वालों को ज़्यादा फायदा होता है, दर्शन भी करते हैं, वचन भी आराम से सुनते हैं और उनको बैठने में भी थोड़ी सुविधा मिलती है, लेकिन इंतज़ार उनको थोड़ा करना पड़ता है। हमारे देश में हमारे त्यौहार, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज अपना ही एक अलग महत्व रखते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई विशेष बात ज़रूर होती है। अब ये राखी का त्यौहार ही लीजिए, पुरानी कथा देखी जाए या शास्त्रों में देखो तो ये आदिकाल से चली आ रही है और जहाँ तक हमें ज्ञान है या इधर उधर से जो भी किसी से सुना गया है या इसके बारे में जो ज्ञान मिला है, तो उससे कहते हैं कि शुरू से ही, जब से सृष्टि की रचना हुई है, बुराई की और भलाई की आपस में तकरार, लड़ाई, युद्ध रहे हैं। बुराई और भलाई क्या है कि जो अच्छे काम करता है वो देव तुल्य या देवता कहा जाता है, जो बुरे काम करता है उसको राक्षस कहा जाता है। देव और दानव का ये युद्ध हमेशा से चलता आया है और पुराने समय में तो बहुत युद्ध हुए हैं इनके। तो जब एक बार देवताओं का, दानवों का आपस में युद्ध चलता रहा और 12 बरस तक उस युद्ध का कोई निर्णय ना निकल पाया, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने उस युद्ध को बंद करवा दिया कि आप इस युद्ध को बंद कर दो। जब इंद्राणी जी को पता चला, इंद्राणी जी ने इंद्र को जाके ये रक्षा सूत्र बांधा, जिसको आप राखी का धागा कहते हैं, और उसने रक्षा सूत्र बांध के इंद्र जी से प्रार्थना की कि देवताओं की विजय नहीं होती है, 12 साल से युद्ध चल रहा है, दोबारा से उन्होंने युद्ध किया, तो उस रक्षा सूत्र कहो या जो भी था, तो इंद्र जी ने उनकी मदद करी और सब देवताओं ने मिलकर युद्ध किया तो उनकी विजय हुई। तो उसी दिन से परंपरा निकल पड़ी कि अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। अब रक्षा सूत्र कौन किसको बांधता है? हमने तो भाई बहन का ही त्यौहार बनाया इसको। रक्षा सूत्र को भाई को बहन राखी बांध सकती है, जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, या रक्षा सूत्र कहो या पोंची कहो, धागा कहो, रक्षा बंधन का मतलब यही है कि वो रक्षा सूत्र है।
पत्नी पति को बांध सकती है और पंडित अपने यजमान को बांध सकता है, और उनमें एक ही मतलब होता है कि जब भी आवश्यकता पड़े मेरी रक्षा और सुरक्षा की आप गारंटी करना। एक उसी समय से ये रक्षाबंधन की परंपरा चली, उसी को आज तक हम निभाते हुए आ रहे। अब तो रक्षा की, वैसे भी आप अगर गृह प्रवेश करते हो या कोई सुख शांति के लिए यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाते हो या कोई मकान की या नई चीज की नींव रखते हो, तब भी मोड़ी का लाल धागा आजकल तो फैशन ही चला हुआ है ये, कि जिसको भी देखो हाथ में बांधे हुए ही मिलता है। ये पता ही नहीं होता क्यों बांधा है, किस लिए बांधा, किस दिन बांधा था। और अगर पूछा जाता है कि भाई ये किस लिए बांधा है, कि बोला कि ऐसे ही बंधवा लिया कि हाथ में अच्छा लगता है ये। लेकिन हमारी परंपरा ये थी कि जो उस रक्षा सूत्र को बांधता था उसका मतलब क्या था, ये शुभ माना गया है, वो उसकी हर प्रकार से रक्षा करता था। कोई भी बुराई हो, कोई भी उसके लिए बुरा शगुन हो, तो उससे ये रक्षा सूत्र का मतलब ये एक ढाल का काम करता था, उससे बचाता था। और दूसरी कहानी ये प्रचलित है कि जब राजा दशरथ शिकार करने के लिए गया और जंगल में शिकार करते करते उसको शाम का वक्त हो गया, और उधर से श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थों पर लिए जा रहा था, इधर से उधर, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर। तो एक उसी जंगल में वो रुका हुआ था, माँ बाप को प्यास लगी, पानी लेने के लिए गया। जब वो पानी लेने ले गया, उस बर्तन ने आवाज की तो दशरथ ने सोचा कि कोई पशु या हिरण पानी पी रहा है, और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा उस श्रवण कुमार जी को लगा और श्रवण कुमार जी ने प्राण त्याग दिए। अब जब उसने आवाज इंसान की सुनी, कराने की आवाज, जो ही उसको बाण लगा तो राजा दशरथ उनके पास गए और जाके देखता है तो ये तो श्रवण कुमार है। अब उस अज्ञानवश जो उससे पाप हुआ, उस पाप से निवृत्ति के लिए उसी दिन से उनने श्रवण कुमार के उस दिन को, इस सावन की क्या है आज पूर्णिमा को, इसी दिन ये काम हुआ था, उसी दिन से अपने प्रायश्चित के लिए इसको मनाना शुरू कर दिया। और तभी से परंपरा चली कि इसी दिन रक्षाबंधन के नाम से श्रवण। तो इस दिन लोग हिलमिच होती है एक लाल रंग का भाठा ईंट जैसा, उसको पानी में घोलते हैं, लाल सा रंग होता है, जैसे जिससे राजा स्वामी लिखा गया ऐसा रंग होता है। वो घरों के दोनों दरवाजों पर श्रवण कुमार की तस्वीर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं इसी दिन से। तो इस त्यौहार की तो पुरानी कथा तो इस तरह से प्रचलित है कि रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र का दिन क्यों मनाया जाता है और कैसे चला। लेकिन हमारे लिए इसका महत्व और भी अधिक बन जाता है। कहने का मतलब ये एक धागा है, और रहीम जी ने तो कहा है कि धागा जो गुरु और शिष्य का पक्का धागा जो बन जाता है, क्योंकि उनका प्रेम का धागा है, वो मन से जुड़ा हुआ है, वो बाहरी धागों का आडंबर नहीं है, परंपरा नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, या उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है। रहीम जी ने कही है, रहीमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो, चटकाए तोड़े से फिर मिले नहीं, मिले गांठ पड़ जाए। लेकिन गुरु और शिष्य का जो बंधन पड़ता है उसमें धागे की बेड़ी की जरूरत नहीं है, किसी लोहे की कड़ी चैन की जरूरत नहीं है बांधने की। वो उस प्रेम की रीति में ऐसा बंधता है कि वो कभी नहीं टूटता। तो हमारे लिए मैंने कहा था ये महत्व विशेष रखता है दिन, क्यों रखता है, कि हमने भी अपनी रक्षा के लिए गुरु से ऐसी याचना और प्रार्थना करके उनसे दीक्षा ली है, और बदले में हमने उनको कहा है तो गुरु ने हमें जो नाम की दीक्षा का रक्षा सूत्र बांधा है, वो नाम हमारी हर प्रकार की तकलीफ से, बीमारी से, रोग से, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के रोगों से रक्षा करने वाला नाम है। नाम के बिना दूसरी चीज संसार में कोई भी ऐसी नहीं है।
लेकिन अभागे हम हैं कि उस नाम के ना महत्व को समझते हैं, ना गुरु के महत्व को जानते हैं और ना सत्संग के महत्व को समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं कि हम संसार की वासनाओं में इतने बंधे और इतने जकड़े हुए हैं कि हम उनसे बाहर निकलने का प्रयास भी अगर करते हैं, एक बंधन ढीला पड़ता है तो उससे पहले दूसरा बंधन लगा हुआ हमें तैयार दिखाई देता है। अभी जो इससे पहले का शब्द था उस वाणी में बात थी कि मुसाफिर सोवे क्यों पैर पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। पांव पसारने का मतलब ये नहीं है कि शरीर की टांगों को हमने लंबा कर दिया, बिस्तर पर जब सोते हैं या आराम फरमाते हैं तो इन टांगों को लंबा करते हैं। अरे पांव फैलाने का मतलब है, अखबारों में और दूसरे लोगों के मुंह से भी सुनते होंगे कि फलानी जगह बीमारी ने पांव पसार लिए हैं, पांव फैला लिए हैं। पांव फैलाने का मतलब है इंसान पांव फैला के कैसे सोया हुआ है। हमने संसार के कामों में अपने आप को इस तरह से फंसा लिया है जिस प्रकार से कोई रोग और बीमारी अपने पांव फैला लेती है। हम जगह जगह बंधनों से बंधे हुए हैं, कहीं रिश्ते नातों में, कहीं ऊंचे पद प्रतिष्ठाओं में, कहीं कुल वंश में, कहीं अपने देश भूमि से, कहीं जाति से और कहीं अपने क्रियाकलापों से। हर प्रकार के काम जितने भी संसार में हैं और जिसको थोड़ा कुछ हासिल हो जाता है वो उसी में रच पच के उसी को अपना जीवन मान लेता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि अब तो सोच समझ के चाल भूल में बनी सो बनी। भूल में क्या बनी? ये भूल नहीं कि तुमने इस जीवन में कोई भूल कर दी। अरे भूल बहुत बड़ी करके आए हैं हम लोग। 84 में जो भूल की है उनका जिक्र है, ये भूल कोई नहीं है। इसमें तो इंसान हो, आपको समझ है, इसमें तो अभी भूल करने वाले हो की नहीं है। इससे पहले तो अनेकों भूल करके आए हो। कहते हैं कि अरे इंसान अब तो सोच, अब तेरे भूलने की वारी नहीं है, अब तेरा ये मौसर भूलने का नहीं है, अब तो तेरा समय है चेतने का। भूल तो उन योनियों में थी जब तू कभी जल का जीव बना, कभी पशु पखेरू पंछी बना, कभी दूसरी योनियों में भटक्या। अरे 84 लाख की योनियों में जिनमें तुझे न सत्संग मिला, न गुरु मिला और न कोई पंथ रास्ता बताने वाला मिला, वो मुश्किल थी उन जीवनों में, वो भूल थी तेरी। लेकिन अब तो सोच समझ ले, अब तो इंसान का चोला मिला है, अब तो तेरे सामने गुरु भी है, अब तो तुझे रास्ता दिखाने वाला, तेरा ज्ञान मिटाने वाला, तुझे उस जन्म मरण के बंधनों से